वेलकम टू आवर चैनल। तो कैसे आप लोग, अच्छे ही होंगे। तो आज मैं बनाने वाली हूँ कुंदन स्टोन्स के इयररिंग्स। बट वेट, देखो वीडियो को तो आप पहले लाइक कर दो, नहीं करा तो वीडियो में देखो यार। भाई लिटरली झूठ नहीं बोली, सच बोल रही, लिटरली इसको बनाने में ना 2 घंटे लगे हैं, 2 hours। पहले तो सूख नहीं रहा, फिर उसकी इतनी बारीकी, फिर वो स्टिक्स लगाना वो सूख नहीं थी। भाई इतना मेंटेनेंस चाहिए ना इसके लिए। पहले भाई मैंने ट्राई कर लिया है, आप चाहो तो ट्राई करना वरना मत करना भाई, रेडीमेड ही अच्छा से। बट यार ये सस्ते हैं बन के और इतना सुंदर बना था। लास्ट में यहाँ पे क्या है, मैंने यहाँ पे ग्लू मंगाई थी और यहाँ पे कुंदन स्टोन्स मंगाए थे। मैंने सोचा कुंदन स्टोन के बना लेते हैं, सेकेंड टाइम में बना रही हूँ। एक मैंने फ्लावर की शॉर्ट्स वीडियो डाली है, अगर आप नहीं देखे जाके देख लेना। यहाँ पे मैं फिर स्क्वायर्स वाले लिए हैं मैंने स्टोन्स, और उसको स्टिक करना स्टार्ट हो गया। पहले मैं स्टिक कर रही हूँ तो वो इधर से उधर भाग रहा है, कभी ट्रायंगल बनना है, कभी रेक्टेंगल बनना है, कभी कुछ बनना है, कभी कुछ बनना है। अब भाई इसमें इतना टाइम लग गया ना बनाने में, सच में आई इतनी मेहनत करे लाइक बनता है। 2 घंटे लिटरली झूठ नहीं बोली मैं, 2 घंटे लगे हैं इसको बनाने में। तो यार आप जरूर से लाइक ज़रूर से कर देना, वीडियो को ज़रूर से कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैंने स्क्वायर बनाना था मैंने बना दिया। देखो ऐसे सिंपल सिर्फ इतना ही स्क्वायर बनाना है, देखो परफेक्ट स्क्वायर है। आप चाहो तो एक लाइन, फिर मैंने एक लाइन लगाई तो थी, ट्राई करी थी कि अच्छी लगेगी, पर फिर मैंने हटा दी क्योंकि इतनी खास नहीं लग रही थी। बाद में मैंने इसे हटा दिया था और क्योंकि हमें स्क्वायर चाहिए था, ये रेक्टेंगल बन गई थी। ऐसी आपको 4 की इसकी बनाऊँगी मैं, और बहुत अच्छी बनने वाली है। तो एंड तक वीडियो ज़रूर से देखना, आप देखो उसका प्रोसेस आप देख सकते हो मैं कैसे बना रही हूँ। आप इसका पूरा प्रोसेस देख सकते हो कि मैंने कैसे बनाया है। यहाँ पे हर चीज़ की मेंटेनेंस रखनी होगी, बिना मेंटेनेंस के नहीं बनेगा। और इसके लिए, इसको बनाने के लिए पेशेंस चाहिए, टाइम चाहिए, पेशेंस चाहिए। टाइम नहीं होगा ना तो आप जल्दी जल्दी बनाओगे, बिल्कुल बेकार बन जाएगा। मेरे साथ ऐसे ही हुआ था। पेशेंस रखो और टाइम रखो बस, तब बनाने से। जब भी बनाने बैठना उससे पहले बनाने मत बैठ जाना, मैं बता रही हूँ भाई तुम्हारा दिमाग ख़राब हो जाएगा, सच बता रहा हूँ मैं। टाइम जितने ज़्यादा लगेगा जैसे उसमें लाइन रखना चाहिए था उतना टाइम लगेगा, बहुत बेकार बनेगा लास्ट में जाके। बट अभी तो मैं जो बना रही हूँ थोड़ा ठीक अच्छा बन गया था, मतलब मेरा फर्स्ट ट्राई था कुंदन स्टोन से बनाने का। और मतलब मुझे लगा नहीं था कि मतलब फर्स्ट ट्राई तो मेरा था, मतलब दूसरा ट्राई था तो मुझे लगा नहीं था कि यार इतना अच्छा बन भी जाएगा, बट इतना होपफुली इतना अच्छा बना। तो यहाँ पर 2 मिनट्स ऐसे रखो या ऐसे रखो, तो मैंने ऐसे रखा था, ऐसे ज़्यादा अच्छा लगा था। बट उसको हुक करना था अभी स्टिक करके, अलग अलग मैंने छोटी छोटी बीड्स ली थी इसके अंदर, बहुत छोटी छोटी बीड्स यूज़ करूँगी। देखो कितनी छोटी छोटी, ये बस इतनी, आप बड़ी मत लेना, अगर बड़ा बना रहे हो तो बड़ा ले सकते हो। अब यहाँ देखो ग्लू की हेल्प से ना इसको, ये आई पिन से इनको स्टिक करना है, ठीक है। और फिर ऐसे करके डालते हुए मैं दिखाती हूँ कैसे डालना है। यहाँ पर देखो पहले इसे कट कर लेंगे, ऐसे करके स्टिक करना है। मतलब दोनों चाहिए आई पिन, एक हुक वाली भी और एक ऐसी वाली भी, मतलब पिंस वाली भी, ठीक है। दोनों को क्या करना है, पहले तो आप लोगे हुक मतलब हैंग वाली, उसके अंदर उसको स्टिक कर दोगे कट करके, छोटी कर लेना, बड़ी मत लगाना क्योंकि हमारे क्विंटल छोटे हैं। अभी मैंने छोटे ही बनाए थे, छोटे ही ट्राई करते अच्छे बनेंगे तो ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे ऐसे करके स्टिक करना है, ये मैंने यहाँ पे कट भी कर ली थी बाद में। और यहाँ पे ना रोल वाली के अंदर आई पेंस वाली के अंदर इसको छोटी सी बीट को डालना, उसको राउंड कर देना कट करके, जैसे मैं राउंड कर रही हूँ सिंपल है वैसे राउंड करना। और फिर पीछे आई पेंस अटैच करके सिंपल जैसे मैं लगा रही हूँ, उस ग्लू की हेल्प से आई पेन अटैच हो जाएंगी अच्छे से। और थोड़े से सूखने में टाइम लगेगा, मैंने आपको बताया था कि एकदम